सुबह लोग मैंने इंस्टाग्राम में पोल दिया था कि फुटबॉल में टैपिंग मारना मुश्किल होता है या फिर बैंगर्स मारना मुश्किल होता है। वहां पे ऑलमोस्ट 100% लोग बोले भैया बैंगर्स मारना बहुत मुश्किल होता है, टैपिंग मारना तो भैया बहुत ईजी होता है। तो इस वीडियो में हम लोग थोड़ा बहुत एग्जाम्पल लेने की कोशिश करेंगे। ये क्लिप आपका पुर्तगाल वर्सेस फ्रांस के मैच का है। देखो बॉल अभी वाइड एरिया पे, हाँ पर रोनाल्डो का मूवमेंट नोटिस करना, रोनाल्डो को मार कर रहे हैं यहाँ पे उपामेकानो। आप देखना उपामेकानो को कैसे बीट करेंगे हमारे बड़े भैया। देखो आराम से वाइड एरिया से रोनाल्डो को फाइंड करते हुए बॉल आएगा। अब देखो रोनाल्डो का रन, देखो वो सामने की तरफ मूव कर रहे, सामने की तरफ रन मारने की कोशिश कर रहे और उपामेकानो उनको फॉलो करते। फिर रोनाल्डो अपना रन होल्ड करते और रोनाल्डो पीछे आते, उपामेकानो फिर से उनको फॉलो करते और वो भी पीछे आते और फिर से रोनाल्डो अपना डायरेक्शन चेंज करके सामने की तरफ जाते और उपामिकानो भैया फिनिश। उपामिकानो बाइट्स द डस्ट और यहां पे एक स्पेस क्रिएट होता है और ये आराम से भैया टैप इन हो जाता है। लेकिन रोनाल्डो का रिफ्लेक्स बताओ या फिर बॉडी मूवमेंट बताओ बहुत स्लो हो चुका है, बिकॉज एट द एज ऑफ 39 आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन ये 2-3 साल पहले होता तो आराम से एक टैप इन होता मेरे भाई एंड आराम से रोनाल्डो गोल स्कोर कर देते और बहुत सारे लोग बोलते ये तो भैया बहुत ईजी गोल है। लेकिन भैया फुटबॉल में टैप इन मारने के लिए आपको सही टाइम पे सही जगह पे सही एंगल पे पहुंचना जरूरी होता है। बैंगर्स भैया डिफेंसर भी मार पाते, मिडफील्डर भी मार पाते, अटैकर भी मार पाते। बैंगर्स में बहुत सारे की भी जरूरत होता है कि डिफ्लेक्ट ना हो, ज्यादा स्विंग ना हो। लेकिन इस तरीके से टैपिंग्स मारने के लिए आपको चाहिए 100% स्किल, 100% बॉडी मूवमेंट और आपका जबरदस्त ऑफेंसिव अवेयरनेस होना चाहिए। ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचाना जो बोलते हैं फुटबॉल में टैपिंग्स बहुत इजी होता है।